हेलो एवरीवन, बात है विलिस्का लोवा के एक छोटे से गांव की, जिसमें एक घर है जो अपनी खौफनाक तारीख के लिए मशहूर है। ये कहानी असल में सच्चाई पर मबनी है और अमेरिका के सबसे डरावने और पहली भरे मर्डर केस में से एक है। Century old unsolved axe murder. Eight people hacked to death. These days, many curiosity seekers from eastern Iowa make that 200 mile trip west to see the home where it happened. As soon as Ross Moore walked in here, he seen two bodies under a sheet. The sheet pulled tight and blood on the sheet. नौ जून 1912 की रात को जोसिया मॉरी और उसकी बीवी सारा और उनके चार बच्चे हैरमन, कैथरीन, बॉयड और पॉल और उनकी दो दोस्त लीना और ईना अपने घर में मौजूद थे। लेकिन ये घर खून के मैदान में तब्दील हो गया। जिस चीज से उन पर वार किया गया था वो एक कुल्हाड़ी थी जो क्राइम सीन पर छोड़ दी गई थी। इन्हें इतने दर्दनाक तरीके से मर्डर किया गया था कि पूरे शहर और देश को हिलाकर रख दिया था। सुबह 7 बजे अगले दिन 10 जून को मैरी पैकहम, मॉरिस की पड़ोसन, परेशान हो गई जब उसने देखा कि मॉरिस फैमिली ने अपने सुबह के काम नहीं किए। मैरी ने मॉरिस के दरवाजे पर दस्तक दी। जब किसी ने जवाब नहीं दिया तो उसने दरवाजा खोलने की कोशिश करी और पाया कि दरवाजा लॉक था। मैरी ने मॉरिस की मुर्गियां बाहर निकाल दी और रोज मॉरी को फोन किया जो जोसिया का भाई था। मैरी की तरह रोज को भी दरवाजा नॉक करने और चीखने पर कोई जवाब नहीं मिला। रोज ने फ्रंट डोर को अपने हाउस की से खोला। रोज ने पॉलर में जाकर गैस बेडरूम का दरवाजा खोला जहां उसने ईना और लीना के जिस्म बिस्तर पर पाए। रोज ने फौरन मैरी को कहा कि हेनरी हैंक हॉर्टन, जो कि वेलिस्का के प्राइम पीस ऑफिसर है, उसको बुलाया जाए, जो जल्द ही वहां पहुंच गया। हॉर्टन ने घर की तलाशी में ये कंफर्म किया कि पूरी मॉरी फैमिली और दोनों लड़कियां मार दी गई थी। मर्डर वेपन एक कुल्हाड़ी थी जो जोसिया का था, जो गेस्ट रूम में मिला जहां वो दोनों बहनें थी। फॉरेंसिक टीम ने बताया कि मर्डर मिडनाइट और सुबह 5 बजे के दरमियान हुआ। हो सकता है जब तक मॉरी फैमिली और वो दोनों बहनें, जो कि इनकी गेस्ट थी, वो सो गई हो। खूनी ने मास्टर बेडरूम से शुरू किया जहां जोसिया और सारा मॉरी सो रहे थे। जोसिया को कुल्हाड़ी से ज्यादा मार लगी। उसका चेहरा इतना काटा गया था कि उसकी आंखें गायब हो गई थी। मॉरी फैमिली और दोनों बहनों को बिस्तर पर पाया गया। सबको कुल्हाड़ी से मार दिया गया था। किलर ने हर शख्स को मारने के बाद उसके चेहरे को बिस्तर के कपड़ों से ढक दिया था। क्राइम सीन का मंजर नफरत और खौफ से भरा हुआ था। दीवारों पर खून लग गया था और कुल्हाड़ी लिविंग रूम के बीच में रख दी गई थी। इस इतने डरावने मामले में बिना किसी के जबरदस्ती एंट्री के कोई निशान नहीं मिले, जिससे ये भी लगता है कि शायद किलर वो था जो विक्टिम्स को जानता था या उनका भरोसा जीत चुका था। ये केस बहुत ज्यादा मीडिया पे छाया रहा और कई थ्योरी सामने आई कि ऐसा खौफनाक काम किसने किया। कुछ सस्पेक्ट इंक्लूडिंग वहां से गुजरने वाले उन सब से सवाल किया गया, लेकिन किसी को भी चार्ज नहीं किया गया और ना ही कोई खूनी साबित हुआ। ये केस कोल्ड हो गया और जहां ये मर्डर हुए वो घर बदनाम हो गया। मर्डर के बाद से वेलिस्का एक्स मर्डर हाउस को हॉन्टेड होने की शोहरत मिल गई। बहुत सी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस वहां की गई और वहां भूतिया एक्टिविटीज आम हुई। विजिटर्स और इन्वेस्टिगेटर्स ने रिपोर्ट किया कि लोगों ने गैर मुकर्रर आवाजें सुनी हैं, जिसमें बच्चों की रोने की और खौफनाक पांव की आवाजें शामिल हैं। कुछ लोगों ने तो कुल्हाड़ी के मारने की आवाज भी सुनी है। घर के अंदर, खासकर उन कमरों में जहां मर्डर हुए थे, अक्सर खूनी पांव के निशान बिना किसी वजह के आते हैं। वहां मौजूद लोगों ने कई बार इन निशानों को देखा है। कुछ लोगों ने बंदों का साया देखा है या भूतिया शक्लें देखने का दावा किया है। सबसे ज्यादा रिपोर्ट्स होने वाली एक औरत के रूप में भूतिया शक्लें देखी गई हैं, जो समझा जाता है कि सारा मौर्य है, जो घर के कॉरिडोर में घूमती रहती हैं। घर के अंदर लिए गए फोटोग्राफ्स में अक्सर अजीब चीजें देखी गई हैं, जैसे लाइट का ज्यादा हो जाना या फिर पिक्चर का ब्लर हो जाना। ये कुछ लोगों को यकीन दिलाता है कि घर वाकई हॉन्टेड है। बहुत से विजिटर्स को घर के अंदर
एक नफरत या दबाव का एहसास होता है, जैसे कोई उन्हें देख रहा है या उनका पीछा कर रहा है। वेलिस का एक्स मर्डर हाउस आज भी एक खौफनाक और दहशत है। इसे एक हिस्टोरिकल साइट के तौर पर महफूज किया गया है और टूर्स के लिए खुला रखा है। बहुत से लोग इस घर को पैरानॉर्मल एक्टिविटीज समझने या खौफनाक एटमॉस्फेयर का तजुर्बा करने के लिए विजिट करते हैं। हालांकि एक सदी गुजर चुकी है, उस रात के हॉरिफाइंग इवेंट्स अब भी वेलिस्का के छोटे से गांव को हंट करते हैं। मर्डर का राज और इसके पीछे की वजह अब भी अनसॉल्व है, जो आज भी लोगों को सोचने के लिए मजबूर कर देती है कि आखिर किसने इस फैमिली को कत्ल किया होगा और क्यों किया होगा, या ये घर वाकई में खौफनाक है, या इसमें वाकई एक ऐसी मखलूक है जो वहाँ किसी का रहना पसंद नहीं करती। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।